चौथू महाराज सिने के पे, यानी कि इसमें मूवी थिएटर उसके का और उसके साथ साथ यहाँ पे जीवी रेस्टोर भी एक खोला गया है। तो इस चौथू महाराज सिने के पे में क्या फर्क है जो लोग यहाँ आके फिल्म देखना पसंद करेंगे? टिकट का साथ में पेप्सी और पॉपकॉर्न वो भी फ्री दिया जाएगा, और उसका बाद में इंटरवेल में हम लोग कुछ स्नैक्स भी प्रोवाइड करेगा। अरुणाचल प्रदेश में, खास करके ट्विन कैपिटल सिटी में बहुत सारे ऐसे मूवी थिएटर है, यानी कि सिनेमा हॉल है। आज मैं बता दूं आप सबको, यहाँ पे पापू नाला पे आज एक चौथू महाराज सिने के पे, यानी कि इसमें मूवी थिएटर उसके का और उसके साथ साथ यहाँ पे जीवी रेस्टोर भी एक खोला गया है। तो इस चौथू महाराज सिने के पे में क्या फर्क है जो लोग यहाँ आके फिल्म देखना पसंद करेंगे? ऐसे आप सब जानते हैं कि यहाँ ईटानगर में ट्विन कैपिटल में बहुत सारे मूवी थिएटर है, मूवी सिनेमा हॉल है, लेकिन देखिए आप वहाँ पे ईटानगर रह गया और उसका बाद फिर नाहरलगन, ये बीचों बीच पापू नाला जो है बीचों बीच पड़ता है उनका, लोग वहाँ से आके यहाँ क्या अलग है जो चौथू महाराज में जो देखना चाहिए और देखना पसंद करेंगे? तो हम सीधे यहाँ का ओनर से और उसके बाद जो टेक्निकल चीज़ है, यहाँ का लोग जो रहते हैं उनसे हम जानने के लिए कोशिश करेंगे। और आज मैं बता दूं, आज चीफ गेस्ट के तौर पे यहाँ पे हमारा कैपिटल डीसी तालोपोतम आए हुए हैं, तो उनसे भी, वो तो बहुत सारे आप जानते हैं कि ट्विन कैपिटल का डीसी है, तो उनको भी नॉलेज होंगे मूवी का, तो उनसे भी हम जानने के लिए कोशिश करेंगे कि ये कैसा लगा, ये चौथू महाराज कैसा लगा और यहाँ का ओवरऑल जो लोकेशन है कैसा लगा उनको, हम सीधे बात करने की कोशिश करेंगे। आइए दोस्तों, हमारा साथ बने रहेगा मैं तेजी शक्ति। हमारे साथ अभी यहाँ का जो महाराज चौथू महाराज जो सिने के पे है उनका ओनर है यहाँ पे, तो मैं मैडम से सीधे सवाल करना चाहूँगा कि मैडम, ये जो इग्लू शेप में आपने जो यहाँ पे चौथू महाराज बोल के आप सिने के पे लेके आया मूवी थिएटर के साथ साथ यहाँ पे आपका रेस्टोरेंट भी है, तो ये कैसा आपका दिमाग में कैसे आया कि वैसे तो ईटानगर में बहुत सारे मूवी थिएटर तो है ट्विन कैपिटल सिटी में, लेकिन आपको कैसे सोचा कि आपने यहाँ ये ज़रूरी है चौथू महाराज? हाँ, ये जो है ये यूनिक है ऑल अरुणाचल में, ये यूनिक है, फर्स्ट टाइम इन अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ में हर चीज़ का फैसिलिटीज़ दिया गया है, सिनेमा भी आप इंजॉय कर सकता है अलोंग विथ डिलीशियस फूड्स, और फिर बच्चों के लिए भी हम लोग इंटरटेनमेंट का फैसिलिटीज़ दिया गया है। जो पेरेंट्स लोग है सिनेमा डिस्टर्बेंस नहीं होने के लिए इंजॉय करेगा, तो बच्चा लोग है बाहर में खेलते रहेगा, तो पेरेंट्स लोग भी वो आराम से मूवी देख सकता है। तो इसीलिए हमने ये कंसेप्ट को मतलब यहाँ में ये किया है, लाया है ईटानगर में जी। तो मैडम अभी हमारे पीछे देख सकता है, ये क्या चौथू महाराज का यही शेप में आते हैं कर्व वाला जो डिस्प्ले है? हाँ, ये जो है ये स्क्रीन भी उसका ये होगा, कर्व होगा, कर्व ही होगा। हाँ, कर्व होगा, और ये आप तो देख रहा है ये सब कुछ ये है इग्लू शेप है, धूम शेप का। तो आप लोग, मैं रिक्वेस्ट करता है ये ड्वेलर्स ऑफ ट्विन कैपिटल और नियर बाई एरियाज लोग को ना, एक बार आके आप लोग फैमिली फ्रेंड्स लोग का साथ में इंजॉय कीजिए। तो मैडम यहाँ पे कितने सीट का कैपेसिटी है? यहाँ में 150 सीट्स का कैपेसिटी है। अभी आप ये बताइए कि लोगों को क्या लगता है कि क्या सोच के लोग जो है यहाँ आने चाहिए देखने के लिए, क्या डिफरेंस? क्योंकि मैडम आप जानते हैं कि ट्विन कैपिटल में बहुत सारे थिएटर है मूवी थिएटर, तो आपको क्या लगता है कि क्या डिफरेंस है चौथू महाराज में लोग यहाँ आना पसंद करेंगे? हाँ, ये स्ट्रक्चर भी अलग है दूसरा, ये से दूसरा जो थिएटर है, जो इसका जो शेप है उसका जो डिज़ाइन है, स्ट्रक्चर
डिज़ाइन जो है वो देखने में भी अलग है। उसका बाद में हम लोग का यहाँ में टिकट का साथ में पेप्सी और पॉपकॉर्न वो भी फ्री दिया जाएगा। अच्छा, हाँ, और उसका बाद में हाँ कम्प्लीमेंट्री में जाएगा, और उसका बाद में इंटरवेल में हम लोग कुछ स्नैक्स भी प्रोवाइड करेगा जी। तो ये है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो टिकट का साथ में आएगा। तो पार्किंग स्पेस भी अवेलेबल है, पार्किंग स्पेस भी अवेलेबल है यहाँ पर, आपको ये नीचे ये सब जाना नहीं पड़ेगा, आप पार्किंग करके आप सीधा आ जाइए, और प्लेस भी ओपन स्पेस है, आप घूम फिर भी सकता है जी। धन्यवाद मैडम, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आप सबको मैं बता दूं, यहाँ का जो छोटू महाराज पप्पू नाला में जो आज उद्घाटन हुआ है, उनका मैनेजर भी है हमारा बीच में। तो टेक्निकली और यहाँ का जो कुछ भी बुकिंग वगैरह, इनसे हम जानने के लिए कोशिश करेंगे। सर सबसे पहले आपका नाम बताइए। सर माई सेल्फ प्रांजल दास जी। मैं सबसे पहले आप सबका थैंक्स कहना चाहूँगा। छोटू महाराज के सरा का कंपनी है, तो इसमें हम लोग फुल मूवी एंटरटेनमेंट विथ फैमिली पैकेज के साथ में हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें हम लोग टिकट के साथ में आप फिल्म का भी मज़ा ले सकते हैं, फूडिंग का भी मज़ा ले सकते हैं, प्लस बच्चों के लिए किड्स के लिए खेलने के लिए जगह भी है। ये सर आपका सबसे पहले तो जो मूवी देखने मन होता है उन लोग का दिमाग में यही होता है कि कम से कम प्राइस में उन लोग को अच्छा मूवी देख पाए, है कि नहीं जी? वही। तो इसका प्राइस आप लोग का मतलब टिकट का प्राइस कैसा रहेगा? टिकट का प्राइस आपका मिनिमम रहेगा, लेकिन टिकट के साथ में आपको ऑफ़र किया जाएगा फूडिंग के लिए। टिकट के लिए आपको फूडिंग के लिए ऑफ़र किया जाएगा, तब आप टिकट के साथ में विद फूड भी आप देख मज़ा ले सकते हैं। क्या आप लोगों को जो अफोर्डेबल जो प्राइस है वो लगाने वाला है ना? बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में रहेगा, और आप यहाँ पे दूसरा और एक एक्सपीरियंस कर पाओगे कि आपने यहाँ पे देखा कि जितने भी थिएटर्स हैं सब में सीटिंग अरेंजमेंट आप नॉर्मली हम लोग जो कैंपी वो पीवीआर में हो या फिर कई दूसरे हॉल में जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो फ्रंट रो से हम लोग देख रहे हैं जी, जी। तो फ्रंट व्यू का हमेशा हमारे कॉन्सेप्ट में रहता है कि थिएटर में जाएंगे फ्रंट व्यू में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग ये डॉल्बी डिजिटल का फुल एचडी वर्जन में हम लोग शो दिखा रहे हैं। उसके बाद 3.1 सराउंड डॉल्बी साउंड सिस्टम हम प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लस डॉल्बी कर्व स्क्रीन है ये। तो हमारे एंटायर नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल नाहरलगन में पप्पू नाला में ये हमारा फर्स्ट है एंटायर नॉर्थ ईस्ट में जो कि हम लोगों ने यहाँ पे बिजनेस एस्टैब्लिश किया है पूरे नॉर्थ ईस्ट में। मतलब ये इग्लू शेप का जो ये पहला है एंटायर नॉर्थ ईस्ट में। अच्छा, ऑल ओवर इंडिया में हमारा केसरासरा छोटू महाराज का टोटल 400 डोम्स साइन हो चुका है। इसमें 81 अंडर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है, 25 लाइव लोकेशन पे अभी चल रहा है जी। वो सब तो ठीक है सर, लेकिन अभी आप ये बताइए कि यहाँ में लोगों को क्या चीज़ जो है लोग जो है पसंद करना चाहेगा, मतलब पसंद लगना चाहेगी छोटू महाराज को, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा ट्विन कैपिटल में ईटानगर नाहरलगन न्यू दिल्ली जो भी बोलो सभी जगह में मूवी थिएटर पहले से है और चल रहा है। आपको क्या चीज़ जो है यहाँ क्या चीज़ को लोग जो पसंद करके यहाँ आने चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि आप कहीं पे भी चला जाओ आप फैमिली को फुल टाइम नहीं दे पाते हो, तो यहाँ पे ऐसा है अगर आप आपके फैमिली के साथ में आते हो आप मूवी का मज़ा ले सकते हो, फूड का मज़ा ले सकते हो, बच्चों के लिए प्ले जोन हम लोग और भी अरेंज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप बच्चों को खेलने के लिए भी हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आपका ये टोटली फुल फैमिली एंटरटेनमेंट प्लेस बन जाता है जी। तो यहाँ का जो बुकिंग जो है और ये कब से चालू होंगे? right. क्योंकि आज तो उद्घाटन तो हो गया। ये हमारा आज 30 मार्च 2023 आज से बुकिंग हमारा स्टार्ट हो चुका है। हमारा टिकट्स बुक माई शो में अवेलेबल है, केवल बुक माई शो में और ओनली बुक माई शोज में अवेलेबल है, या फिर ऑफलाइन में आप यहाँ पे टिकट बॉक्स ऑफिस काउंटर पे आप खुद परचेस कर सकते हैं। सर आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगा क्योंकि ये कर्व स्क्रीन है जी, तो यहाँ पे व्यूइंग जो क्या क्या कौन सा व्यू होगा? ये 3D 2D कौन सा व्यू? ये 2D में होगा, 2D में फुल HD व्यू होगा आपका इसमें। अच्छा, विद 3.1 डॉल्बी सराउंड साउंड सिस्टम के साथ में। तो लोग तो आप जानते हैं कि 3D पसंद करते हैं ताकि वो ये मेरा साथ हो रहा है बोल के फील महसूस हो। देखिए 3D वाला कॉन्सेप्ट अलग है, फिर कर्व वाला कॉन्सेप्ट अलग है, तो यहाँ पे आपको कर्व डॉल्बी कर्व स्क्रीन में आपको डिस्प्ले यहाँ मिल रहा है, तो आप लोग हमेशा देखते हैं
हैं, फ्लैट स्क्रीन देखते हैं जिसमें कि 3D का एंजॉय आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप कर्व में 2D का जो एंजॉय है वो अलग से आपको मिलेगा। तो ये एक नया टेक्नोलॉजी है जिसे हम लोग नॉर्थ ईस्ट में फर्स्ट टाइम हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू। नया कॉन्सेप्ट का साथ नया बिजनेस मेरा ईटानगर का जितने भी फिल्म देखने के लिए जो बहुत जाते रहता है उन लोगों के लिए कंग्रेचुलेशन एंड बधाई देना चाहूँगा कि आज छोटू महाराज जो है इतना सुंदर से ये थिएटर को खुला है। इसमें एक नंबर में मैं आगे भी बता रहा था कि सबसे तकलीफ है कि सभी लोग अपना गाड़ी को लेके आता है तो गाड़ी को कहाँ रखेगा, वो सबसे सिर दर्द का बात होता है। जो यहाँ में वो सुविधा है आप गाड़ी को पार्किंग करने का, अभी 500-600 गाड़ी आराम से इधर पार्क कर सकते हैं आगे पीछे करके, कॉम्प्लेक्स में बहुत से एरिया है, वो एक बहुत अच्छा बात है। दूसरा है कि आप यहाँ जो लोकेशन वाइज में है, अभी जो ये छोटू महाराज ने खुला है तो साथ साथ में जो अभी रेस्टोरेंट हम लोग अभी हर चीज़ का खाने का चीज़ यहाँ में वो पैकेज का साथ में दे रहा है, वो बहुत अच्छा चीज़ है नया जो कॉन्सेप्ट। तीसरा में ये अभी जो आप सिनेमा हॉल का जो इंटीरियर है आप देखा है, हम लोग भी देखा है, तो ये अलग से है क्योंकि ये सभी जितना सिनेमा हॉल है सभी का एक ही चेयर का अरेंजमेंट है और जो सीलिंग हो या वॉल का सो अरेंजमेंट है अलग है, तो एक ही टाइप का मोनोटोनस हो जाता है, तो यह एक चेंज जैसे मिलेगा। इसी रीजन से मुझे लगता है कि कोई भी आदमी इस छोटू महाराज का जो सिनेमा हॉल में आता है उनको अपना जो पैसा जो टिकट में खर्चा करता है वो वसूल हो जाएगा। और मेरा तरफ से वंस अगेन ईटानगर या अरुणाचल के जो भी लोग ईटानगर में आता है सिनेमा हॉल देखता है उन सभी को मैं बधाई देना चाहूँगा कि ये एक बहुत एक नया कॉन्सेप्ट का साथ नया एक थिएटर खुला है, सभी लोग आ सकते हैं। और आप लोग का इस चैनल का माध्यम से वंस अगेन सभी को मैं एक दिल से एक बधाई देना चाहूँगा। तीसरा चीज़ हमने आज इसको छोटा चीज़ पोर्ट जो ऑब्जर्वेशन हमने जो दिया है कि इकोनॉमी जो हमारा शहर में और स्टेट में जो होता है सरकार उसका सपोर्ट करेगा, कोई भी इश्यूज होता है एज ए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर या DM या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हिसाब से कोई भी इश्यूज आता है आई एम एलवेज देयर। तो हमें ऐसे लोगों को जो हमारा यहाँ लोकल लोग जो है इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है तो उन लोगों को हमेशा हम सपोर्ट करेंगे। उसी में एक चीज़ हमने आज भी रिक्वेस्ट किया है कि हमारा जो लोकल लोग है कि हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है चाहे वो किचन में रेस्टोरेंट में मैनेजमेंट में और या थिएटर का इधर जो काम साम में, मैंने छोटू महाराज का मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट किया टीम को कि हमारा लोकल लोगों को थोड़ा से प्रायोरिटीज़ देना है और सिखाना है, वो काम पूरा अच्छा से कर लेगा तो, लेकिन अच्छा काम नहीं करता है तो उसको रखना नहीं है, वो तो बात सही रहेगा। और लास्टली हमने रिक्वेस्ट किया कि हमारा लिए नया फिल्म जो आता है 2 टिकट रख देना है। थैंक यू सर। छोटू महाराज का नोटिस में फर्स्ट ये जो इन लोग का स्टोर है ना, तो कैसा ओवरऑल कैसा लगा? ओवरऑल में तो मैंने 1, 2, 3, 4 पॉइंट बताया है जी, ओवरऑल में सबसे अच्छा है और लोग इधर आना चाहिए और अपना पैसा जो सिनेमा हॉल में जो खर्चा करता है उसका वसूल इधर मिलेगा।